भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने शहर के डॉक्टरों के साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी कार्यालय में बैठक की। इस बाबत आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि आए दिन मरीजों के परिजनों द्वारा क्लिनिक में तोड़फोड़ और डॉक्टरों के साथ हाथापाई तक की जाती है। इन सारी बातों को लेकर एसएसपी के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि आए दिन डॉक्टरों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों के अंदर किसी तरह का डर और भय का माहौल व्याप्त न हो, इसके लिए भागलपुर पुलिस की ओर से ठोस कदम उठाया गया है। इस मद्देनजर सभी डॉक्टरों के क्लिनिक के बाहर एक साफ पिक्चर क्वालिटी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है, जिसमें क्लिनिक में उपद्रव मचाने वाले लोगों को आसानी से चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही आईएमए अध्यक्ष ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से एक अध्यादेश पारित हुआ है, जिस संबंध में आज मुलाकात की गई। इस अध्यादेश में मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत क्लिनिक में तोड़फोड़ मचाने वालों को अविलंब गिरफ्तार कर उन पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में जांच उपरांत डॉक्टर के दोषी पाए जाने पर ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन सारी बातों पर एसएसपी से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने गुजारिश की है कि सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सूचना दे दी जाए, ताकि डॉक्टरों के साथ कुछ गलत ना हो। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से सोनू की रिपोर्ट। एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डॉक्टरों की समस्याओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में स्वयं डॉक्टरों को अपने से बात करने के लिए ऑफिस में बुलाया। हम लोग करीब 15-20 डॉक्टर उनके बुलावे पर उनके ऑफिस चैम्बर में गए और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे चर्चाएं हुई और हम लोगों के जो समस्याएं हैं और प्रत्येक हमारे मेंबर अपना अपना अनुभव बतलाया और कैसे उसको रोका जा सकता है। जो मेन प्रॉब्लम था कि जो हम लोगों के क्लिनिक में आए दिन जो क्लिनिक वायलेंस हो जाता है, नेगलिजेंसी का आरोप लगता है और उस पर जो घटनाएं घट जाती हैं बहुत दुखद होती है, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं और पुलिस हमको इसमें कैसे मदद करेगी। तो इसके रोकने के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी हुआ है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो उसमें दिया गया है कि डॉक्टर के क्लिनिक में जो भी परिजन या उसके आदमी किसी तरह की घटनाएं करेंगे तो उनको नॉन वायलेबल अरेस्ट होगा और डॉक्टर जो जिनकी नेगलिजेंसी है उस पर जाँच के उपरांत अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता, अन्यथा डायरेक्ट उनको अरेस्ट नहीं किया सकता। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।